सुबह का नाश्ता चल रहा है हमारी आयरा का। मैं खा लूँ ये नहीं। डे टू हमारी कंगारू आइलैंड ट्रिप का आपको दिखाता हूँ। तो सूर्य उदय हो रहा है और ये हमारे घर से बाहर का नज़ारा सुबह सुबह का। क्या खा रहे हो भाई रहा आप? दिखा दे क्या खा रहे हो, बता दे क्या खा रहे हो। आप खा रहे हो कि फैला रहे हो? तो सुबह का नाश्ता चल रहा है हमारी आयरा का। मैं खा लूँ ये नहीं। देखो बच्चों को खाना खिलाना कितना मुश्किल होता है। खाते कम है फैलाते ज्यादा है। Do you want to sit here? Huh? I don't want to sit. This is Vika. Come. Huh? Come. Sit down. तो वैसे बच्चों को खाना खिलाने के बाद अब बारी है हमारा खाना खाने की। ये है हमारा ब्रेकफास्ट और ये पीछे का है बालकनी और उसके आगे समुंदर। चलिए ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, पहले खाना खाते हैं फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस जब तक बाकी लोग बच्चों को तैयार कर रहे थे मैंने सोचा क्यों ना मैं बाहर जाके समुंदर के नज़ारों का लुत्फ़ उठाऊँ, इसलिए मैं आ गया हूँ अपने घर के सामने वाले बीच पर और आप देख सकते हैं नज़ारे कितने शानदार हैं। तो गाइस ये देखिए कितना सुंदर शानदार बीच है, पानी इतना साफ है कि आप इसे मछली मगरमच्छ शार्क सब देख लो। और ये पीछे भी देखिए कितना अच्छा है, इतना साफ पानी है ना, इतना नीला पानी। और वो हमारा सामने अपार्टमेंट है, ये जो अपार्टमेंट दिख रहा है इस अपार्टमेंट में हम लोग रुके पड़े हैं। उसके ठीक सामने है ये नीला समुंदर। तो गाइस आज है डे टू कंगारू आइलैंड ट्रिप का और हमें दिन शुरू करना था सुबह 9 बजे लेकिन अभी 1 बज गए हैं। उसके दो रीज़न हैं, एक तो खाना बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया क्योंकि राजजी के जो इन लॉज हैं वो घर का ही खाना खाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते। और थोड़ा अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो, और बच्चों के लिए खाना बनाना मैं भूल जाता हूँ, मेरे बच्चे नहीं है तो भूल जाता हूँ, बाकी दोनों फैमिली के बच्चे खाते हैं तो घर का ही खाएंगे, इसलिए 1 बज गया है हमें निकलते। और अभी भी हम जा रहे हैं पहले हॉस्पिटल, थोड़ा जो एक दो लोगों की तबीयत ठीक नहीं चलती है उनको दिखाएंगे, उनको उनकी मरम्मत कराएंगे ताकि अगले 2-3 दिन और चल सकें हमारे साथ और कोई दिक्कत ना आए। और उसके बाद फिर 2-3 बीच या जो भी टूरिस्ट स्पॉट सिटी के आसपास पड़ेगा उसे कवर करेंगे। एक और सबसे बेकार बात जो हमें कंगारू आइलैंड की लगी वो ये कि यहाँ पे केवल एक ही फार्मेसी है पूरे कंगारू आइलैंड के अंदर, सिटी के अंदर सुनी लिया होगा आपने किंग्स कोर्ट में, और वो 12 बजे दिन में बंद हो जाती है, मतलब तो सैटरडे संडे वीकेंड में 12 बजे बंद हो जाती है। तो अगर आपको कोई दवा लेनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग जाके ले लो, अगर आप लेट हो गए हो तो आपको कोई दवा नहीं मिलेगी, फिर आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब वहाँ कितनी भीड़ मिलती है कितनी लाइन लगी होती है वो पता नहीं है, अभी जा रहे हैं देख के फिर दिखाएंगे आपको जल्दी काम होता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कंगारू आइलैंड का, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो जो भी छुटपुट दवाइयाँ होती हैं वो घर से ही लेकर के आओ, लाइक लूज मोशन फीवर
कफ एंड कोल्ड। और दो चार दवाइयों के नाम और बता दो, कौन कौन सी दवाई लानी चाहिए? पैनाडोल एंड कौन सी चलती मतलब जो भी चलती है पता करके लेकर के आए। इंडिया में डॉट फॉक्स चलती है तो मुझे यहाँ का पता नहीं है कौन सी खाते हैं लूज मोशन के लिए। हाँ मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी दवाई है वो लेकर चलें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आपको अगर हॉस्पिटल से जल्दी नहीं पड़ गए तो वहाँ का नज़ारा नहीं दिखाएंगे, सीधे बीच पे ले चलेंगे, नहीं तो हॉस्पिटल के दर्शन यहाँ कंगारू आइलैंड के करा देंगे। लेकिन एक फायदा है इस ट्रिप का कि देखो यहाँ के हमने आइलैंड भी घूमा, फेरी भी घूमी, अब हॉस्पिटल भी देख के आए हैं कि कंगारू आइलैंड में कौन सा हॉस्पिटल है, तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, पूरा एक एक कोना कोना दिखाएंगे कंगारू आइलैंड का। हम हॉस्पिटल एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे है, ताकि आपको आने से पहले पूरा आइडिया हो जाए कि कंगारू आइलैंड आना है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए ये है कंगारू आइलैंड की मेन सिटी, आपको सबक की तरह ही लग रही होगी ये।